स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक नया नोटिफिकेशन बताऊंगा। इस नोटिफिकेशन में हरियाणा में HSSC में क्लर्क के लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। जैसे कि आपको पता लगा है कि हरियाणा में क्लर्क की 4801 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया था, अब उसके लिए एग्ज़ाम नोटिफाई हो चुका है। HSSC का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। इसमें HSSC ने रिटर्न एग्ज़ाम के लिए अनाउंसमेंट की है और ये डेट रखी है इन्होंने 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक, यानी 3 दिनों में एग्ज़ाम होगा, 21, 22 और 23 सितंबर को। और 3 दिन में HSSC क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा था और एक सस्पेंस था कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। तो इलेक्शन से पहले इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और जो एग्ज़ाम की डेट है वो 21, 22 और 23 सितंबर, 3 दिन में ये एग्ज़ाम होगा, दो दो शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये HSSC क्लर्क का एग्ज़ाम जो है 5/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ आया था और कैटेगरी नंबर 1 है इसमें। तो इसमें 4801 पोस्टें टोटल थी जिनमें एग्ज़ाम होना था क्लर्क के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट की ये पोस्टें थी, अब उनके लिए कॉमन एग्ज़ाम है वो अनाउंस हो चुका है। ये एग्ज़ाम जो है OMR बेस्ड होगा, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट बेस्ड OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। तो ये नॉर्मल एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है ये। इस एग्ज़ाम की डेट जो है 21 और 22 और 23 सितंबर, 3 दिन रखी गई है। इसमें जो एग्ज़ाम अनाउंस किया है इन्होंने, पहला एग्ज़ाम होगा 21 सितंबर को, तो ये जो है इवनिंग सेशन में होगा। पहले दिन जो है सैटरडे को एग्ज़ाम है और ये जो है आपका इवनिंग में एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम जो है 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच में एग्ज़ाम होगा, शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में एग्ज़ाम होगा और 2:30 बजे से एंट्री बंद हो जाएगी। यानी 2:30 बजे से पहले आपको एंटर करना है या 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। एंट्री टाइम जो है 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम है, शाम को एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट डे यानी 22 सितंबर संडे को एग्ज़ाम होगा। ये जो है दोनों शिफ्टों में है, मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी है। मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है 10:30 से 12:00 बजे के बीच में होगा। इसमें 8:00 बजे से एंट्री स्टार्ट होगी, यानी संडे को आपको 8:00 बजे से एंटर करना है और 9:30 बजे तक एंट्री होगी, तो समय से पहले पहुंचना होगा आपको। और इवनिंग में जो है इसमें एग्ज़ाम होगा आपका 3:00 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। यहाँ पर 3 से 4:30 का टाइम है और एंट्री जो है यहाँ पर स्टार्ट होगी 12:30 एंट्री स्टार्ट होगी, 2:00 बजे जो है इसकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो संडे को सुबह में और शाम में दोनों शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। अब आता है 23 सितंबर को, यानी मंडे को एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम जो है मॉर्निंग में 10:30 से 12:00 बजे के बीच में होगा, सेम टाइम है सुबह का, और 9:30 बजे से पहले इसमें एंट्री करनी होगी। और शाम को इवनिंग में भी 3 से लेकर आपका 4:30 तक एग्ज़ाम होगा, 3 से 4:30 तक, और इसमें एंट्री स्टार्ट होगी 12:30 से, और 2:00 बजे जो है इसकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो इसमें अभी जो है इन्होंने एग्ज़ाम का सिर्फ डेट अनाउंस की है, अब प्लेस अनाउंस नहीं किए। प्लेस जो अनाउंस होंगे वो आपके होंगे एज़ पर एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड जो हैं जब आएंगे तो आपको तभी पता लगेगा कि आपका एग्ज़ाम जो है किस शहर में है और कौन सा सेंटर उसका बना है। तो एडमिट कार्ड की डेट जो है इन्होंने 14 सितंबर दी है, यानी 14 सितंबर के बाद आपके एडमिट कार्ड ओपन होंगे। 14 से स्टार्ट होगा ये वेबसाइट पर, आपको वहाँ वेबसाइट पर जाकर वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अभी से रजिस्ट्रेशन नंबर जो है याद रखें, ध्यान रखें, ताकि निकालना इजी रहे। इसमें आपका जो एग्ज़ाम बताया इन्होंने वो सेम पहले जैसा है, 100 मार्क्स, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने 100 मार्क्स का एग्ज़ाम बताया है। टोटल 100 मार्क्स हैं, जैसे रिटर्न एग्ज़ाम के 90 मार्क्स हैं, यानी 90 मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम है, लिखित परीक्षा है, जिसमें इन्होंने दिया है कि 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 90 मिनट्स, यानी 90 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट में आपको ये अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें 2 पोर्शन बताए इन्होंने, पहला पोर्शन जिसमें इन्होंने बताया 75 वेटेज,
और सेकंड पोर्शन बताया इन्होंने 25 वेटेज का। तो दो पार्ट में एग्ज़ाम है, वैसे तो कॉमन एग्ज़ाम होता है, ये तो बताने की बात है इनकी। 75 वेटेज में इन्होंने पहले में बताया जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और कंसर्न रेलिवेंट सब्जेक्ट एज एप्लीकेबल। और दूसरे पार्ट में इन्होंने 25% में बताया हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक, इन्वायरमेंट, कल्चर एट्सेट्रा ऑफ हरियाणा। यानी जो 25% पार्ट है वो हरियाणा से संबंधित होगा। तो 90 में से 25 क्वेश्चन जो हैं आपके, या 25% पार्ट जो है हरियाणा जीके का होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, लिटरेचर आदि हरियाणा से पूछा जाएगा। जो 90 क्वेश्चन में 75% का वेटेज है वो ऑल इंडिया या वर्ल्ड की जीके का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी आदि आते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, इसमें कंप्यूटर का अनाउंस किया इन्होंने, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश और हिंदी के तो क्वेश्चन पहले भी रहते थे। तो इसमें 90 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में अटेम्प्ट करने होंगे, यानी 90 मार्क्स का। तो आपके लिए यहाँ पर एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन है, इसमें जीके ज़्यादा आती है, यानी 50 से 60 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, नेशनल जीके हो या हरियाणा जीके हो, दोनों जीके रहेंगी इसमें, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग आदि के 10-10, 15-15 क्वेश्चन आते हैं। साइंस थोड़ी ज़्यादा आती है इसमें, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा हरियाणा से जो एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, उसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो साइंस पे आप फोकस ज़्यादा रखें, 10-15 क्वेश्चन आपको साइंस से मिलेंगे। इसके अलावा 5-7 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हरियाणा से संबंधित मिलेंगे। हरियाणा की जीके मिक्स आती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिक्स होता है, पर साइंस का पार्ट इसमें ज़्यादा रहता है। मैथमेटिक्स जो है कई बार टफ हो जाता है, वो 10th+2 तक के क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए आप प्रीवियस पेपर देख के जाएं, प्रीवियस पेपर से आपको गैस लगेगा कि कैसे क्वेश्चन 2018 में और 19 में आए हैं। तो 2018-19 का पेपर अगर आप चेक करोगे तो उससे आपको पेपर देने में आसानी होगी। वहाँ से पेपर पैटर्न चेक करें, कुछ प्रैक्टिस भी करें, तो आपका पेपर जो है काफ़ी आसान और आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा अटैम्प्ट करना। तो इसमें आपको 14 सितंबर से आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, वहाँ से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, और इसमें आपके जो 10 मार्क्स बचते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के बचते हैं, यानी 90+10 टोटल 100 मार्क्स आपके होते हैं इसमें। 90 का पेपर आ गया, 10 का आपका सोशल इकोनॉमिकल या एक्सपीरियंस आ गया। तो इसमें 10 मार्क्स सरकार जो है अनाउंस करती है, पर एग्ज़ाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है 90 मार्क्स। अगर आप 90 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको हरियाणा जीके की कुछ वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका पेपर में हेल्प हो पाए। तो आपको याद रखना है HSSC क्लर्क में एग्ज़ाम 21 से 23 सितंबर के बीच में आ चुका है, अभी से आप काफ़ी तेज और अच्छे तरीके की तैयारी करें। आप, मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं। वेल डन, थैंक यू जी।